क्या आप भी खाना चाहते हैं ऐसी पत्ता गोभी? तो चलिए आइए बनाते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फूडी सिस्टर एंड ब्रदर में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी, वो भी कुछ नए से स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लंबी लंबी खूब सारी प्याज काट लेनी है। ये मैंने 3 से 4 प्याज ली है बड़ी वाली। तो सबसे पहले हमने प्याज ले ली है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आपके मसाले बनाने वाले हैं, तो बढ़िया चटपटा। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें डालना है सारा धनिया। ये हमने धनिया ले लिया। उसके बाद हमने डालना है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। और सबसे आखिरी में हम इसमें डालेंगे मीट मसाला। मीट मसाला जो है हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, ये देखिए। उसके बाद हमने इसमें डालनी है काली मिर्च। काली मिर्च से जो है आपका इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब ये डाल लिया हमने नमक। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये तो शादी पार्टी वाली लग रही है, बढ़िया सी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो देख के। अब इसमें हमने 2 साबुत लाल मिर्च डालनी है, 2 हमने तेज पत्ता डालना है, जरा सा हमने डालना है इसमें दालचीनी। अब ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे तेल। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बन रही है। तेल डालना है इसमें, और तेल डालने में कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया सा स्वाद आएगा आपको। जैसे मार्केट में हांडी टाइप में बनता है। हाँ, ये उसी तरीके से ही बनेगा बस। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स करना है। तेल अगर आपको लगता है थोड़ा सा और ज्यादा या कम कुछ करना है तो इसमें आप तेल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए आलू। तो हमने आलू जो है बहुत छोटे छोटे नहीं काटे हैं, ऐसे काटे हैं हमने बड़े बड़े। ये हमने इसमें आलू डाल दिए। अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहली बार ही होगा कि ऐसी कोई पत्ता गोभी खाई होगी, इतने प्याज और ऐसी यूनिक, मतलब बहुत ही अलग ही लग रही है। ये स्टाइल आपको बहुत डिफरेंट सा लगेगा और मजा भी आएगा इसको खाने में। और इसको आप जैसे तंदूरी रोटी होती है ना, उसके साथ खाएंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल जैसे वो ढाबे वाला स्टाइल आता है ना तंदूरी, एकदम वैसा। अब ये हम गोभी डालेंगे। गोभी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी पत्ता गोभी डाल ली हमने अच्छे से, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। तब बिना कढ़ाई से पहले प्रिपरेशन ऐसी बढ़िया सी हो गई, देख के दिल खुश हो रहा है। ये जैसे हांडी में बनता है ना, ये कुछ उस स्टाइल में ही बनेगी ये। अच्छे से मिक्स। अब हम इसको कढ़ाई में रखेंगे। अब हम चलते हैं हमारी गैस के पास। अब हम कढ़ाई में जो है हमारा जितना भी मटेरियल हमने तैयार किया था बंद गोभी का, वो हम डालेंगे। और लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इसको बार बार हिलाना नहीं है, और इसको बहुत ही एकदम आपने जो है स्लो पे ही रखना है। आपने इसको तेज आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल लो आंच पे ही पकाना है। और थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन ये बनके बहुत अच्छी तैयार होगी आपकी। तो ये देखिए, ये हमारी गोभी ढल गई है। मतलब ये रखने के बाद हटा के, कई बार होता है हम करछी मार देते हैं, नहीं हिलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलानी इसे। कोशिश कीजिए कि इसको बिल्कुल भी मत हिलाइए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लग रही है, हाँ, तो आप हल्का सा इसको अलट पलट कर सकते हैं बीच में एक आधी बारी। अदरवाइज आपको वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, ये अपने आप ही सब कुछ स्टीम से मतलब पक जाएगी। अब आपने इसको ढक के जो है 30 से 40 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। सिस्टर, मन कर रहा है इसके साथ तंदूरी रोटी है बाहर से वो ले आऊं। बिल्कुल मजा आ जाएगा इसके साथ खाने में। इसकी खुशबू भी आपको बहुत अच्छी आएगी। बहुत बढ़िया आ रही है यार। फ्रेंड्स, आप तो शायद सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, पर मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी आ रही है। बनने से पहले ही की है, सोचो बनने के बाद कितनी बढ़िया लगेगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम इसको कवर कर रहे हैं 30 से 40 मिनट के लिए, और बिल्कुल ही आपने लो पे ही इसको करना है, तेज आंच पे नहीं चलाना। चलो फिर अब हम चेक करते हैं हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है या नहीं। चलिए आइए फिर। ये देखिए, वाओ, इसका कलर तो बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना बाजारी टाइप में सब्जी, और ऐसे प्याज व्याज एकदम पूरा इनहेंस हो गई है ना सब्जी। सब्जी कम बाजारी एकदम सही में। ये देखो मसाले, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये देखिए, अब हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। और आलू भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, कोई भी चीज आपकी कच्ची नहीं रही है इसमें। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने बीच में इसको 1 से 2 बारी हल्का सा हिलाया जरूर था बस। तो वो भी आप भी 1 से 2 बारी इसको बीच में हिला लीजिएगा। ये देखिए, अब हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।